दोस्तों नमस्कार। आज की नई मुद्दे और नई बात। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं हम लोग। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का 1 मंथ हो गया, 1 महीना। तो दोस्तों ये देखिए मेरा पोजीशन 90% मेरे जो बाल है वो उड़ गए हैं और कुछ बचे हुए हैं वो आने वाले हैं। और डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो वो बोले 2 महीना 2.5 महीने में निकलना सब चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मुद्दे और आज की बात में हम बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट किस शहर में कितना रेट और कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आज से करीब 8 साल 7 साल पहले हमने कलकत्ता में रेट पता किया। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ और कलकत्ता में रेट पता किया। उस टाइम में 80 रुपीज़ ग्राफ था और आज जो है ग्राफ हम लोग का कहीं पे 50 रुपये है, कहीं पे 30 रुपये है, कहीं पे 15 रुपये, कहीं पे 20 रुपये, कहीं पे 12 रुपये। तो अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट का रेट है हमारे कलकत्ता में, दिल्ली में ये हाई रेट है, लेकिन आपका पंजाब में और पुणे में, ये दो इंडिया में दो जगह रेट बहुत अच्छा रेट है, कम है। जहाँ 12 रुपये ग्राफ आपका, 15 रुपये ग्राफ, कहीं 10 रुपये भी सुन रहा हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि ग्राफ का रेट क्या 6 रुपये हो। 6 रुपये होने से क्या होगा, नॉर्मली सभी आदमी, सभी लड़के जो अभी स्टूडेंट बॉय है वो करा सकते हैं। कारण कि स्टूडेंट जो है और उसके पास पैसा भी कम रहता है और उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराने का अगर पोजिशन आ जाता तो वो नहीं करा पाता और घर में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रेडी नहीं होता है। घर में नहीं रेडी होने का कारण क्या है, अगर आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए किडनी चेंज करना है या कुछ भी है, आपका किडनी में पत्थर है और भी कोई बीमारी है, तो आपको घर वाला जो जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए राजी नहीं होता है कोई घर वाला। कारण कि हेयर ट्रांसप्लांट में डरता है और सभी को पता नहीं है। और हम लोग को भी पता किस लिए हुआ कि हम लोग YouTube पे वीडियो देखे, गूगल में सर्च किए, इसीलिए हम लोग को डर नहीं लग रहा कि चलो नहीं कोई ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब रहा ये होगा कैसे, इसको करना पड़ेगा जो रेट कम। हालांकि डॉक्टर को हम, मैंने देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट में डॉक्टर को ज़्यादा खर्चा नहीं है। डॉक्टर का खर्चा मुश्किल से, मेरे ख्याल से डॉक्टर का फीस सारा दिन का जो है 8,000 से 10,000 रुपये होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके साथ में 4 से 3, 4, 5 स्टाफ होता है, उन लोगों का पेमेंट होना चाहिए 10,000 रुपये मिला करके। बाकी आपका सुई सुचिया और बहुत सारा जो आपका लगता है सामान, सब सब मिला करके 6,000 रुपया और एक्स्ट्रा 26,000 रुपया। तो 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तो पर ग्राफ मेरे ख्याल से 6 रुपया होने से भी डॉक्टर को पोसाई होगा, लेकिन डॉक्टर जो है अपना हिसाब से रेट अभी फिक्स किया हुआ है। और ये बात को हम लोगों को फैलाना है, हमारे यूट्यूबर जितने भाई हैं, स्ट्रीट गए पुणे का एक है, उनको भी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि और ज़्यादा ये बात को हम लोग फैलाया जाए कि रेट पूरा ऑल इंडिया में कम हो। मेरे कलकत्ता का जितने भी पेशेंट हैं बहुत परेशान हैं, उन लोगों को पुणे जाना पड़ता है या तो फिर पंजाब, ज़्यादा करके पंजाब जाना पड़ता है, पंजाब में रेट कम है। मैंने तो दिल्ली में कराया, मेरा रेट बहुत ज़्यादा पड़ गया था। तो जिनके पास पॉसिबल नहीं है, अभी स्टूडेंट है, इनकम नहीं है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट कराने का उनका जो पोजीशन है वो कराना ज़रूरी है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं स्ट्रीट गे से और तनुदा है जो, वो भी वीडियो बनाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा और भी 1-2 वीडियो बनाते हैं। तो ये जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा पेशेंट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा क्लिनिक में भीड़ होगा, रेट कम होता जाएगा। और डॉक्टर लोगों को भी पता चल रहा है अभी हम लोग का वीडियो देख करके कि नहीं रेट कम करना चाहिए और ये होगा। देख लीजिएगा आप, 1 साल 2 साल में जितना ज़्यादा ये फैलेगा, ये रेट 5 रुपये ग्राफ 6 रुपये ग्राफ हो जाएगा, ये हम लोग को करना है। इसी मुद्दे पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास व्यूवर हैं व्हाट्सएप में भी, भाई साहब लोग कितने हैं, छोटे भाई हैं, वो फ़ोन पे भी बात किए कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है सर, कहाँ कराएं। और उनको
कराने के लिए, कारण कि हेयर ट्रांसप्लांट में घर में रेडी तो हो नहीं रहा, अपना पैसा जुगाड़ कहीं से, अगर उनके पास 30-40 हज़ार में हो जाता है तो वो कहीं से भी जुगाड़ करके हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। तो दोस्तों, मेरे जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आदमी जानेंगे इंडिया में उतना ज़्यादा ये हम लोग का, जितने हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन जो अभी, उन लोगों को लाभ होगा। कारण हम लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं वो रेट जो है बहुत ज़्यादा लगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर और तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो, मेरा अभी हेयर का पोजिशन बहुत अच्छा है, तो रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, कारण हम लोग को ये बात फैलाना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा व्यूवर बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतना रेट कम होता जाएगा। आज शुरुआत स्ट्रीट गेज से हुआ था, स्ट्रीट गेज एक है यूट्यूबर, उन्होंने स्टार्ट किया तो देखिए रेट आज कहाँ 12 रुपये आ गया, नहीं तो उसका पहले रेट था 25-30 रुपये, कहीं रेट हम कम नहीं सुन रहे थे, लेकिन ये साल भर में ये हुआ। अगर हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे सभी मिलकर के तो ये रेट मेरे तजुर्बा से 6 रुपये से 5 रुपये पर ग्राफ आ जाएगा। तो दोस्तों, रखते हैं इसी के साथ, फिर मिलेंगे नई मुद्दे और नई बात के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।